अरुदीप को मेहमान करण जौहर ने दे दिया इतनी बड़ी फिल्म में गाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आइडल के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि सेमीफाइनल स्पेशल एपिसोड के मेहमान बने हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर। आते ही उन्होंने मंच से एक अनाउंसमेंट कर दी थी और कहा था कि आज इन टॉप 6 कंटेस्टेंट में से मैं कोई कंटेस्टेंट्स को ले जाने वाला हूँ अपने धर्मा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि मेरी आने वाली फिल्म में गाने का मैं मौका दूंगा। सभी कंटेस्टेंट इस बात को सुनकर बेहद एक्साइटेड हुए थे। बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो मंच पर आते हैं अरुदीप। जी हाँ, पवनदीप राजन और अरुणिता की गायकी मेहमान करण जौहर को इतनी पसंद आती है कि वो दोनों की तारीफ करते नहीं थकते। दोनों की तुलना शाहरुख और काजोल से कर देते हैं, यानी कि तुम दोनों की जोड़ी भी इतना ही बड़ा नाम कमाने वाली है, और दोनों को मौका दे देते हैं अपनी आने वाली फिल्म में गाने का मौका। जी हाँ, और ये फिल्म है रॉकी और रानी। इस फिल्म में एक्टर होंगे रणवीर सिंह और एक्ट्रेस होने वाली है आलिया भट्ट। जी हाँ, इन दोनों की आवाज बनेंगे पवन और अरुणिता। तो इस तरह से इन दोनों को इतनी बड़ी फिल्म में गाने का मौका मिलने वाला है। ये मौका दिया है मंच के मेहमान करण जौहर ने। तो दोस्तों, क्या आप अरुदीप के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप अरुदीप के लिए खुश हैं? अगर हाँ तो आपकी राय, आपकी शुभकामनाएं नीचे लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।